उपवास टाइम में हम सभी को मन करता है कुछ ना कुछ नमकीन खाने को, मंच करने को, क्योंकि भूख लगता है ना। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी चार टाइप का ऐसे ही बिल्कुल इंटरेस्टिंग और टेस्टी नमकीन बना के उपवास में, जिसको आप खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको फिर। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सामंस दवा का। तो वीडियो देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो पहले चलिए बनाते हैं आलू लच्छा वाला नमकीन। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। ये देखिए लच्छा मैंने बना के रखा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ग्रेटर है ना, उसी साइड यूज़ किया है। और आलू छिलने के बाद इसको पानी में डाल के रखिए और इसको लंबा ऐसे पकड़ के एक डायरेक्शन में ही इसको ग्रेट करना है हमको। तो ये लच्छा तैयार हो गया। ये बिल्कुल पानी के अंदर डायरेक्टली जाएगा तो डिसकलरेशन नहीं होगा, ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा। फिर हम इसको 3 से 4 बार करीब अच्छे साफ पानी में वॉश कर लेंगे तो इसका मैक्सिमम जो स्टार्च पोर्शन है वो निकल जाएगा। और फिर हम इसको निचोड़ के एक बॉल में निकाल लेंगे। तो पानी इसका जो ड्राई करने के लिए इसको क्या करेंगे, एक किचन टॉवल के ऊपर स्प्रेड करेंगे। आप कोई भी कॉटन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं ड्राई करने के लिए। और मैं और एक किचन टॉवल के मदद से इसको थोड़ा सा पोंछ रही हूँ। तो फिर इसको हम ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे फैन के नीचे 15 से 20 मिनट। ये ड्राई होने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए जो ऑयल हमारा है ना, वो बिल्कुल हॉट होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें और स्टिर करते हुए इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर ये फ्राई होके निकल जाता है। गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। हीट कम मत करिएगा वरना आलू जो है ना ऑयल पी जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप करीब मूंगफली सेंगदाना, इसको भी फ्राई करेंगे। ये करीब 3 से 4 मिनट में फ्राई होके निकल जाता है। इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है हमको। ये जब थोड़ा सा क्रैक होना शुरू हुए ना, तभी हम इसको निकाल लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है मूंगफली हमारा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 स्प्रिंग्स करीब करी लीफ, जिसको मेरे को लो हीट में ही फ्राई करना है, वरना इस प्लाटर करके ऑयल सब ऊपर आ जाएगा, इसका ख्याल रखिएगा। ये क्रिस्पी होने तक हमको फ्राई करना है। और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा स्लीटर ग्रीन चिली। तो इसको थोड़ा सा मैं कम फ्राई कर रही हूँ, आप क्रिस्पी होने तक फ्राई कर सकते हैं। और ये आप बिल्कुल गोल्डन होने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई करके इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं। मैंने पहले से ही इसको मिला लिया है और इसको सीजन करेंगे सॉल्ट और पेपर के साथ। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक का यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मल डेज के लिए बना रहे हैं, इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इसको 1 वीक के लिए स्टोर करके रखा भी जा सकता है। तो आलू लच्छा का नमकीन बिल्कुल तैयार। तो चलिए बनाते हैं रोस्टेड ड्राई नट्स एंड फ्रूट्स। इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले लिया है 2 टीस्पून घी, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप आलमंड। इसको हम फ्राई करेंगे लो मीडियम हीट के ऊपर, 3 से 4 मिनट करीब फ्राई करेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे होल कैशू, 1 कप होल कैशू मैं डाल रही हूँ इसमें। होल कैशू ही अच्छा दिखता है अभी इसमें। तो इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे वही मीडियम हीट के ऊपर, लो मीडियम हीट के ऊपर। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप वॉलनट। तो इसको ऐड करने के बाद वही 2 मिनट और फ्राई करेंगे और ये हो जाएगा तैयार। ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है कैशू का और आलमंड का। तो इसको हम निकाल लेंगे बॉल में। फिर से मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून इसमें बटर, क्लैरिफाइड बटर सॉरी घी। और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड बहुत ही जल्दी पक जाता है दोस्तों। लो मीडियम हीट के ऊपर ही फ्राई करना है। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप सनफ्लावर सीड। फिर से इसको 1 मिनट फ्राई करना है। और फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मेलन सीड, इसको 1/2 मिनट ही फ्राई करना है। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है इसका। ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। सीड्स भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको निकाल लेंगे एक बॉल में। और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप गोल्डन रेजिन और 1/4 कप ब्लैक रेजिन। इसको लो हीट के ऊपर ही फ्राई करना है, फूलने नहीं देना है। मुझे थोड़ा सा घी कम लगा तो 2 ड्रॉप करीब मैं घी डाल रही हूँ इसमें।
और थोड़ा सा ऊपर का जो स्किन का कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए तभी हम इसको निकालेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, वरना अच्छा नहीं लगता है, ये फूल जाता है तो, स्वेल हो जाता है तो। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं। तो नट्स में डालते हैं सीड और फिर डालते हैं ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखा है, और इसको सीजन करेंगे वही सॉल्ट और पेपर के साथ। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक का फिर से यूज़ किया है क्योंकि उपवास के लिए बना रही हूँ। अगर आप नॉर्मल डेज के लिए बना रहे हैं ना, तो आप इसमें ड्राई मैंगो पाउडर या तो अमचूर का पाउडर और चाट मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है एंड हाई इन प्रोटीन। तो ये बच्चों को भी दिया जा सकता है, इसको स्टोर करके रख सकते हैं एक महीने तक, बहुत ही टेस्टी है ये। अभी चलिए बनाते हैं मखाने का नमकीन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून घी लिया है और जो मखाना है मैंने लिया है 2 कप। इसको फ्राई करेंगे लो मीडियम हीट के ऊपर, बिल्कुल पेशेंस रख के फ्राई करना है क्योंकि मखाने को फ्राई होने में करीब करीब 10 से 12 मिनट लग ही जाता है। मुझे तो यहाँ पे 15 मिनट लगा है क्योंकि मैं भी थोड़ा सा टेम्परेचर कम था या वोल्टेज कम था। तो ये इसको तोड़ के देख लीजिएगा, 10 मिनट के बाद मैंने देखा है ये फिर से रेडी नहीं हुआ है। अगर आप तोड़ेंगे और ये अच्छे से टूट जाए ना, ऐसे पाउडर बन जाए, तभी आपको मालूम चलेगा कि ये मखाना बिल्कुल रेडी है। इसको निकाल लेंगे और फिर से मैंने यहाँ पर डाला है 2 टीस्पून और घी, और मैं डाल रही हूँ करीब 1/2 कप इसमें सेंगदाना। इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट मीडियम हीट के ऊपर, और फिर इसमें डालेंगे 1/2 कप या 1/3 कप करीब कैशू नट्स, और इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट, और फिर डालेंगे 1/4 कप ड्राई कोकोनट स्लाइस्ड वाला। इसको फ्राई होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, करीब 2 मिनट के अंदर निकल जाता है। ये देखिए कलर चेंज होने लगा है ना, तो बिल्कुल रेडी है ये। इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये। अभी हम इसमें थोड़ा सा और घी डालेंगे करीब 2 टीस्पून और फिर हम इसमें, यहाँ पे मैं ये जो ग्रीन चिली है इसको स्लीट करके रखा है मैंने, इसका जो सीड है ना उसको निकाल दिया है। तो इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक, और फिर हम इसमें डालेंगे करीब 4 स्प्रिंग्स ऑफ करी लीव्स। इसको भी फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक, ये जल्दी से निकल जाता है फ्राई होने में और क्रिस्पी होता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। अगर आप उपवास में नहीं खा रहे हैं करी लीफ तो स्किप कर सकते हैं इसको। तो इसको चलिए सीजन करेंगे सॉल्ट और पेपर के साथ। तो ये भी मखाने वाला नमकीन बिल्कुल तैयार। अगर आप नॉर्मल डेज के लिए बना रहे हैं ना, तो फिर आप इसमें चाट मसाला पाउडर, पुदीने का पाउडर वगैरह, फ्लेवरफुल पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाला है सेंधा नमक और पेपर पाउडर, इसको सीजन करेंगे। ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स होता है उपवास के लिए, ज़रूर बनाइएगा इस नवरात्रि में, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं आप। तो चलिए फिर बनाते हैं साबूदाने का नमकीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो इसको बनाने के लिए हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल पाइपिंग हॉट होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप साबूदाना जिसको मैं फ्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, 4 से 5 बैच में। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे वरना ये सारा का सारा पॉपअप नहीं होगा। इसको अच्छे से थोड़ा सा हिलाएंगे। तो ये वाला स्ट्रेनर मैंने लिया है, इससे मुझे आसान लगता है फ्राई करने में। ये देखिए साबूदाना मेरा बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है, फिर से मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना जो मीडियम साइज़ का साबूदाना है वही लिया है, अगर आप चाहें तो बड़ा वाला जो साबूदाना आता है उसको ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन ये भी कम अच्छा नहीं बनता है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पटाटो जिसको लच्छा बना के रखा है, और लच्छा बनाने का बिल्कुल पूरा तरीका आप पहले वाले वीडियो से देख सकते हैं। इसको भी हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई हीट में, और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए और क्रिस्पी ना बन जाए। तो ये देखिए हमारा आलू लच्छा भी बिल्कुल तैयार है, और कितना यम्मी दिख रहा है ना कलर इसका। अभी मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है सेंगदाना या मूंगफली का दाना, इसको भी हम फ्राई करेंगे मीडियम हीट के ऊपर ही फ्राई करना है 3 से 4 मिनट, और थोड़ा सा हिला लेंगे इसको, थोड़ा सा स्टिर करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप
आलमंड, आलमंड बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना छोड़ दीजिए, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी बनता है। तो ये आलमंड हमारा अभी फ्राई होके निकल गया, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट, कोकोनट बिल्कुल स्किप मत करिएगा, कोकोनट और जो मूंगफली है ना ये दोनों मैंडेटरी है इस रेसिपी के लिए। इसको भी फ्राई करेंगे, ये जस्ट आधा मिनट के अंदर फ्राई होके निकल जाता है। फिर मैंने यहाँ पे ढेर सारा करी लीव्स लिया है जिसको मैं क्रिस्पी बनाऊंगी फ्राई करके। और करी लीव फ्राई करते वक्त हमेशा केयरफुल रहिएगा, ये क्रिस्पी बन चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिली लिया है, ग्रीन चिली, जिसको मैं फ्राई करूँगी क्रिस्पी होने तक अगेन। तो इसको भी हम निकाल लेंगे, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बन गया ये। तो साबूदाना देखिए हमारा बिल्कुल खिला खिला बना हुआ है, कितना अच्छा बना हुआ है, दिख भी रहा है बहुत अच्छा। मैं एक तोड़ के दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल पाउडर बनेगा ये, ये देखिए तो बिल्कुल क्रिस्पी बना है ये, बहुत अच्छा बना है। और ये बाकी का जो सारा का इंग्रेडिएंट्स है हम इसमें मिलाएंगे एक के बाद एक और इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए हमारा आलू लच्छा ये भी बिल्कुल क्रिस्पी बना है। तो इसके ऊपर हम मिलाएंगे सारा का सारा इंग्रेडिएंट और इसको ब्लेंड करेंगे और इसको सीजन करेंगे सॉल्ट और पेपर के साथ। इसमें भी अगर आप चाहें नॉर्मल डेज के लिए अगर बना रहे हैं, टी टाइम स्नैक्स के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप चाट मसाला वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक और पेपर का पाउडर यूज़ किया है क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा ये सब रेसिपीज़ और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी दशहरा, स्टे सेफ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा अगले नए रेसिपी के लिए। बाय बाय।